हमें अपना किसान कोड या किसान क्रमांक जानने के लिए सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेंगे, या आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन पे भी गूगल क्रोम के माध्यम से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे जन भागीदारी CG, इतना टाइप करके आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे सर्च करेंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, जहाँ से क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जन भागीदारी का वेबसाइट ओपन हो गया। इसका आप इंटरफेस देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। इसमें राइट साइड पर 2023-24 की धान खरीदी की जानकारी, यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे किसानों का विवरण एक आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम इसमें क्लिक कर लेते हैं किसानों का विवरण में। जैसे ही हम उसमें क्लिक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से जितने भी ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के, सभी ज़िले यहाँ पे आ चुका है। अब आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं या आपका ज़मीन जिस ज़िले में है वहाँ आप क्लिक कर लेंगे। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ राजनांदगांव का, तो ये राजनांदगांव में क्लिक कर लिया। उसके बाद हमारा जो समिति उपार्जन केंद्र है वो कहाँ है, उसमें हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इधर से आप ढूंढ लेंगे। चलिए मैं बघेरा को क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमारा जो उपार्जन केंद्र बघेरा है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान क्रमांक, किसान का नाम इस प्रकार से दिया है। तो आप किसान का नाम में यहाँ से लाइन से देखते जाएंगे, जहाँ पर भी आपका नाम होगा या फिर आप जिस किसी किसान का किसान को ढूंढना चाहते हैं उसके जस्ट सामने आपको ये जो TF4 ऐसा दिया गया है, ये उसका किसान कोड नंबर दिया गया है, किसान क्रमांक नंबर दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपना किसान कोड या किसान क्रमांक नंबर जान सकते हैं। अब इसे आप नोट कर लेंगे एक जगह पे, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपना धान बेचने के लिए जो टोकन प्राप्त करते हैं, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा।